શક્તિપીઠ અંબાજીમાં બાગેશ્વર સરકાર દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી। સનાતન એ જીવનનો રસ્તો છે, તેનાથી જ વિશ્વમાં શાંતિ થશે। પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પ્રવીણ કોટક અને બાગેશ્વર સરકાર પણ હાજર રહ્યા। હિન્દુઓને જગાડવા માટે અને એકત્રિત કરવા માટે ભારતભરમાં પગપાળા યાત્રા કરશે, ત્યારે ત્યાં બધાની અરજી સ્વીકાર્ય થાય છે, પરંતુ મારી અરજીમાં અંબાએ સ્વીકારી છે। લવ જિહાદને બાબાએ હિડન જાહેર બતાવ્યો છે। સ્કૂલ કોલેજમાં ફેલાઈ રહ્યું છે, ત્યારે નવરાત્રિમાં ગરબામાં આવનાર મુસ્લિમ યુવક ઉપર બાબાનો પ્રહાર થયો છે। ભાઈચારાના નામે આવતા મુસ્લિમ યુવકો પોતાની બહેનોને પણ ગરબામાં લાવી બહેનચારો પણ કરે। ગરબામાં આવતા લોકોને ગંગાજળ અને ગૌમૂત્ર પીવડાવીને એન્ટ્રી આપવી જોઈએ તેવું બાબા બાગેશ્વર ધામનું કહેવું છે। दर्शन करते करते भक्ति का वास्तविक रूप में दर्शन तो मन में आया कि ये मां कभी अगर आपकी कृपा हुई तो हम आपको कथा सुनाएंगे। पर हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। मैंने तुरंत अर्जी स्वीकार की और नवरात्रि में इस कथा के मुख्य यजमान संतों के बड़े चहेते लाल प्रवीण कोटक जी ने कहा कि गुरु जी कम से कम 9 दिन का 7 दिन का समय हमको अम्बा जी के चरणों में कथा करने के लिए चाहिए, पर अन्यत्र जगहों पर वचन देने के कारण उन्होंने कहा 3 दिन तक हम माता रानी के चरणों में आकर एक शोज रूप में कथा करने को रखते हैं ताकि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, माता रानी के चरणों में सेवा हो जाए। हमारी नवरात्रि की शुरुआत अम्बा जी के चरणों से आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य के हमें अम्बा जी आने का मौका मिला और जो यहाँ अनुभव हो रहे हैं वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और ये सिद्ध की चमत्कारों से और दिव्य शक्तियों से भरा जी। आपने सर माता रानी के दर्शन किए, विशेष में माता रानी से क्या बात है? भारत हिंदू राष्ट्र को यही हमने मंगलता था कि वो सबकी सुनती हमारी सुन रहे भारत हिंदू राष्ट्र को सिद्ध हो जाए और ये जितने भी धर्म विरोधी लोग हैं इनको मुक्त हो जाए। सनातन धर्म को लेके आप जो सनातन धर्म को लेके सनातन धर्म को लेके पूरे भारत में जो आप किस नजर से देख रहे हैं सनातन धर्म विश्व की एक वो व्यवस्था है जो पूरे विश्व में शांति रख सकता है। सनातन धर्म एक विश्व की वो व्यवस्था हो सकती है जो वर्तमान में देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, चाहे वो हमास वाला युद्ध हो, यूक्रेन वाला युद्ध हो, अनेकानेक देशों में जो अशांति फैली हुई है। सनातन केवल एक ऐसा उपचार उपाय है जिसके प्रयत्न से पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाती की जा सकती है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं जी, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? हम कभी राजनीति पर कोई कमेंट नहीं पूरे देश में जगह जगह जितना समय मिलेगा टुकड़ों टुकड़ों में पैदल यात्रा लोग अपने दुख दर्द के लिए आपके पास अर्जी लगाते हैं और आपने माँ अम्बा के पास अर्जी लगाई। देखो हमेशा एक दूसरे से कोई ना कोई करेक्ट लेता है, कोई भी व्यक्ति आता है शिष्य रूप में वो गुरु से कर्म लेता है, गुरु परमात्मा से कर्म लेता है। इस प्रकार का कर्म प्रकृति का बना हुआ है और माँ तो सबकी माँ है, विश्व की माँ है, इसके पास तो सब आत्मा से हम ये याचक बनकर चले। लव जिहाद एक ऐसा जहर है जो हिडन जहर है, हिडन पॉइजन, दिख नहीं रहा और बहुत घातक है। जगह जगहों पर हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों को बहकाया जा रहा है मित्र तौर पर स्कूलों में कॉलेजों में, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहे हैं और अब वर्तमान की परिस्थिति ऐसी हो रही कि लव जिहाद वाले भी चटनी और लठनी बंद रहे, वो डर रहे और बहुत जल्दी ये चीज भारत में बंद होने वाली। मैं ये पूछना चाहूंगा जिस तरह से पहले इंडिया का लिखा जाता था फिलहाल आप भारत लिखते हैं और मैं सोचता हूँ कि भारत के साथ में अगर हर गवर्नमेंट अपने जो लेटर पेड है या गवर्नमेंट कचहरी है उनमें भारत के साथ में हिंदुस्तान लिखे तो कैसा? अच्छा हिंदुओं का स्थान नहीं कहिए, हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान देखिए। तो अभी फिलहाल अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में विदर्भ भी जो बोलते हैं
उनको बिल्कुल हिसाब से नहीं घर में नहीं आ रहे नहीं आ रहे आपका क्या विचार है? बिल्कुल भी नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये भाईचारा है, भाईचारा केवल भाई से थोड़ी, हमने बहनों को भी लेना चाहिए, लेकर आना चाहिए, बहनचारा भी करना चाहिए।